हेलो एवरी वन वेलकम टू श्री रामज आई एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर एज वी यूज़ टू कवर दी डेली करंट अफेयर सही सेशन में भी वही करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं दैट इज़ ऑफ ट्वेंटियथ ऑफ अप्रैल उससे उसमें क्या क्या न्यूज़ में रहा हमारे एग्जाम के लिए क्या न्यूज़ रेलिवेंट है विदाउट टेकिंग एनी टाइम सिंपली स्टार्ट करते हैं और मेन्स के परस्पेक्टिव से भी चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं आपके सामने उनको देख लेते हैं लिखा है कौन से पेपर में कौन सा मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर वन पेपर टू कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लिंक करता है तो प्रिलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे एक साथ इस सेशन के अंदर काफ़ी प्रिलिम्स पॉइंटर्स भी मिलेंगे आपको डायरेक्टली तो मेक श्योर sure कि आप थोड़े अटेंटिव रहें चलते हैं देखते हैं क्या शुरू है पहला आर्टिकल क्या कहता है वो होगा वर्ल्ड हेरिटेज डे के ऊपर राइट जी पेपर वन से आप इसको लिंक कर सकते हो <coughs> फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल पंचायत अवार्ड्स के बारे में दैट आल्सो यू कैन लिंक विद जीएस पेपर वन स्कीम है एक कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है कौन से सेक्शन को टारगेट करती है क्या स्कीम है पीटीपीएनईआर पी एन ई आर फुल फॉर्म क्या है एवरी थिंग विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल जीएस पेपर टू से लिंक कर सकते हो वीट ब्लास्ट जीएस पेपर वन से लिंक कर सकते हो क्या है वीट ब्लास्ट कौन से फंगस का यहाँ नाम लिया गया है और वीट के बारे में भी जानेंगे सो जीएस पेपर वन जोग्राफी सेक्शन से यू कैन लिंक इट गैलापैगो आइलैंड न्यूज़ में रहे और यहाँ पर ना हम कोरल रीफ के बारे में भी कवर करेंगे सो आप देख सकते हो जीएस पेपर थ्री से भी इस टॉपिक को लिंक करेंगे ठीक है सो मैप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक बिना मैप के होगा नहीं तो मैप में ये आइलैंड कहाँ पर है वो भी देखेंगे क्या इक्वेटर गुजरता है यहाँ से आप सोचो फिर कवर करेंगे मैसिव करप्शन ऑफ इलिगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनगनीज इन उड़ीसा जी एस पेपर विन वन से आप इसको लिंक कर सकते हो जहां पर हम इलीगल माइनिंग की बात करेंगे पेपर टू से भी लिंक कर सकते हो और हम यहां पर बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की जी एस पेपर वन से भी लिंक कर सकते हो मैंगनीज के बारे में पढ़ेंगे एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट आज न्यूज में था इट इज़ अ न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज लिबर्टी तो यहाँ क्या बात हो रही है विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल तो ये आपका एक एडिटोरियल जो रहेगा उसकी प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी प्रॉपर एनालिसिस विद पॉइंट्स, ठीक है? तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई थिंक सिंपली सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला तो हर साल बेसिकली एटींथ ऑफ अप्रैल को डिक्लेयर किया गया है एज वर्ल्ड हेरिटेज डे किसने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स दे डिकलेयर एटीन अप्रैल एज इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स जिसको आप वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जानते हो इन 1982 थीम क्या थी हेरिटेज चेंजेस ये थीम है विच फोकस ऑन द रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द क्लाइमेट एक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन दी प्रोटेक्टिंग वालनरेबल कम्यूनिटीज तो यहाँ पर थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो इंडिया इज करेंटली होम टू हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 40 मेकिंग इट कंट्रीज सिक्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट इन द वर्ल्ड इंडिया में 32 कल्चरल साइट्स हैं सेवन नेचुरल साइट्स हैं एक मिक्स्ड टाइप साइट है दैट इज कंचन नेशनल पार्क क्या होता है ये कल्चरल uh, जिसकी हम बात कर रहे हैं मिक्स साइट की एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कल्चरल साइट्स नेचुरल साइट्स कल्चरल साइट्स नाम से ही समझ आ रहा है कि जहाँ पर आप इंक्लूड करते हो एंशियन टेम्पल्स फोर्ट्स पैलेस मॉस्क दीज आर इंक्लूडेड इन दी कल्चरल हेरीटेज साइट नेचुरल हेरीटेज साइट में आता है नेशनल पार्कस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स राइट तो ये आ गया आपका नेशनल हेरीटेज में नेचुरल हेरीटेज में फिर मिक्सड मतलब मिक्सड इज़ नोन फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस एज़ वेल एज इट्स बायोडाइवर्सिटी राइट सो इट इज़ होम टू वेरी ऑफ दी रेयर एंड डेंजर्ड स्पिशज रेयर स्पिशज राइट तो ये होते हैं आपके तीन साइड्स अब यहाँ पर ना अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि रिलेटेड है इंडियन हेरीटेज से उनके बारे में बता दो तो बता देना कि आपने पढ़ा है आर्टिकल 49 क्या है डीपीएसपी क्या कहता है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड और अंडर बाय लॉ बाय द पार्लियामेंट दैट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कोई फंडामेंटल ड्यूटी है बिल्कुल है आर्टिकल फिफ्टी ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आपकी ड्यूटी है ये मेरी ड्यूटी है हमारी ड्यूटी है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरीटेज ऑफ आर कल्चर बट वो देखो अभी क्या है एन्वायरमेंटल डिज़ास्टर नेचुरल डिजास्टर्स एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के चलते पोल्यूशन इरोजन फ्लडिंग और राइट right? तो हेरीटेज साइट जो हैं दे आर ऑल्सो वनरेबल टू दीज नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया में वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव अ प्रॉपर डेटा बेस अ सेंट्रलाइज डेटा बेस फॉर ऑल दीज हेरीटेज साइट्स सो ये सब करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट के स्टेप्स भी हैं दैट आर रिलेटेड टू हेरीटेज कंजर्वेशन अगर आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई एक दो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के हैं दैट विद रिस्पेक्ट टू दी हेरीटेज कंजर्वेशन तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर देना ठीक है अगला जो टॉपिक है दैट इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेलिब्रेटिंग द नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक 17 से 21 फर्स्ट ऑफ अप्रैल तो बेसिकली जो ये पंचायती अवार्ड्स है ना एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है पाँच दिन का होता है जिसमें बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस और वेरियस इवेंट्स होते हैं जो पंचायत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो उनकी परफॉर्मेंस को असेस करके उनको अवार्ड दिया जाता है राइट सो लोकलाइजेशन ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव्ड एंड दे कैन बी अचीव थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सो so, इसका एम है टू एम्पावर दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ताकि दे गो विद वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जहाँ पर आपके प्लान हो प्रॉपर प्रायोरिटीज हो विद योर नेशनल एज वेल एज ग्लोबल गोल्स ठीक है हमारी प्रेजिडेंट जी ने अभी रिसेंटली प्रेजेंट किए नेशनल पंचायत अवार्ड्स एंड इनोग्रेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन दी इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत कहाँ पर न्यू डेली के अंदर नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हर साल होता है सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सबको पता है एंड इट वॉज अडोप्टिड दैट इंस्टीट्यूशनलाइज पंचायती राज इन इंडिया उसको कमेमोरेट करने के लिए हर साल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है इसमें क्या है अवार्ड दिए जाते हैं टू द बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत बाई असेसिंग देयर परफॉर्मेंस इन दर्टेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये अवार्ड्स पहली बार कब इंस्टीट्यूट करे गए थे 2011 के अंदर फिर उसके बाद जब मैं कैटेगरीज की बात करती हूँ ऑफ दीज अवार्ड्स तो एक लिस्ट है आपके पास आप ये देख सकते हो जैसे दीन दीनदयाल उपाध्याय so, the पंचायत सशक्तिकरण विकास पुरस्कार इसमें टोटल नाइन थीम्स होती हैं सोन थीम्स ऑफ दीज कॉन्फ्रेंस आर जैसे पॉवर्टी फ्री एनहैंस लाइवलीहुड विमेन फ्रेंडली पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत सोशली सिक्योर पंचायत तो ये थीम्स रहती हैं और जैसे फिर अभी हम कैटेगरीज की बात करें तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सशक्तिकरण विकास पुरस्कार हो गया राइट ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार हो गया कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार तो ये जो हैं दीज आर दी कैटेगरीज इंक्लूडेड इन इट सॉर्टेड है इजी सिंपल चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि कहता है कि साइंटिस्ट है वॉर्न दैट फंगस फंगस का नाम है मैगना पोर्थे औरिजई सो ये जो फंगस है मैग्नापोर्थे औरजई औरइजई तो ये एक फंगस अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने वॉर्न किया है कि ये फंगस जो है इट इज़ डिस्ट्रॉइंग दी साउथ अमेरिकन व्हीट क्रॉप्स और ये स्प्रेड कर सकती है वर्ल्ड वाइड अगर आपको याद हो तो पीछे कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल किया था जहाँ पर आई टोल्ड यू कि वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से इंडिया में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वीट की प्रोडक्शन जो यूनियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट करी दैट वाज वन वन टू एम और जो बिकॉज ऑफ़ दिज अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स द बिकॉज ऑफ़ दिस अन टाइमली रेंज जब हुए इंडिया की वीट प्रोडक्शन जो है इट इज़ लाइकली टू बी वन ज़ीरो टू पॉइंट नाइन एम टी राइट तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो सकता है डिमांड है सप्लाई कम हो गई रेट बढ़ सकते हैं है ना ऊपर से अभी यह डिसीज़ जो है इट कुड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो तो अभी एक तो आपको पता होना चाहिए वीट क्या क्रॉप है वीट एक रबी क्रॉप है अक्टूबर के टाइम पे इसको सोइंग करते हैं और अभी अप्रैल के टाइम पे हारवेस्टिंग होती है वीट अभी जब मैं इस फंगस की बात कर रही हूँ वीट ब्लास्ट की बात कर रही हूँ तो ये एक फंगल डिसीज है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वीट प्रोडक्शन रीजन्स के अंदर कॉज होती है बाय मैग्नापोर्थे और ठीक है ये फंगस इन्फेक्ट करता है वाइल्ड और कल्टीवेटेड ग्रासेस को राइस और वीट को और ये स्प्रेड थ्रू दिस इन्फेक्टेड सीड्स बेसिकली ये जो क्रॉप फंगी है ना इट इज़ नोन टू म्यूटेट पहली बार रिसर्चर्स ने डिटेक्ट किया था इस पैथोजन को 1980 में कहाँ पर ब्राज़ीलियन वही डीट क्रॉप्स में एशिया में पहला आउटग्रेप आउटब्रेक हुआ कहाँ पर बांग्लादेश में 2016 के अंदर दो साल बाद

ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है रेनफॉल चाहिए सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर और एक अच्छी वेल ड्रेन लोमी क्ले सॉयल चाहिए है उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार गुजरात ये स्टेट्स के नाम क्यों लिए हैं क्योंकि ये स्टेट्स टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ठीक है जी तो ये इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है आगे चलते हैं लेट्स हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट आर्टिकल दैट रिसेंटली अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन हैज़ डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली अनोन कोरल रीफ विद अबंडेंट मेराइन लाइफ ऑफ इक्डोर्स गैलापेगो आइलैंड। बात यह है एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन हुआ पता चला अन नोन कोरल रीफ पाया गया विद द अबंडेंट मेराइन लाइफ कहाँ पर नियर द क्वेडोर ऑफ दिस ऑफ इक्वेडोर ये गैलापेगो आइलैंड पैसिफिक ओशन के अंदर इधर देखो कोलंबिया वेनेजिला ब्राजील मैप नहीं खोलोगे कोई फायदा नहीं है मेक श्योर sure कि आप मैप प्रैक्टिस जरूर करें ठीक है ये तस्वीर दिख रही है ये है सुंदर से गैलापेगो आइलैंड की तस्वीर इक्वेटर पास करता है क्या बिल्कुल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर कहाँ पर है पैसिफिक ओशन में some thousand kilometers from the Ecuadorian coast. These three, there are three major tectonic plates: Nazca, Cocos, and Pacific. They meet at the bases of this ocean. UNESCO World Heritage Site है ये? बिल्कुल है. 1978 में it was designated. और Mount Azul is the highest point of the Galapagos Island. ठीक है? तो ये याद में रखना. मैंने आपको बोला था हम coral reef के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे और आप भी आज जरूर पढ़ोगे क्योंकि important है क्या है कॉरल रीफ सिंपल टर्म्स में समझो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी एनिमल्स दे लीव टुगेदर दे क्रिएट अ होम फॉर अदर क्रिएचर्स आल्सो समझे बात को क्या समझे कोरल जो हैं दीज आर दी स्मॉल एनिमल्स जो ओशन में दे लीव इन दे डोंट इनवर्टिब्रेट्स हैं दे डोंट हैव दैट स्पाइन है ना दे डो नॉट प्रोजेस अ स्पाइन दे आर दे डोंट हैव अ बैक दे लीव टुगेदर इन लार्ज ग्रुप उस ग्रुप को क्या बोलते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं कॉलोनीज़ तो वो कॉलोनीज में रहते हैं और एवरी सिंगल कोरल इंडिविजुअल कोरल को क्या बोलते हैं पॉलिप याद में रखना और उसके बाद ये जो कोरल्स हैं दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ कॉलोनी दे बाय कॉपिंग देमसेल्स एंड ये कोरल्स ना एक रिलेशनशिप में है सिम्बैटिक रिलेशनशिप में किसके साथ एलगी के साथ सो कोरल्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद दीस टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल गई सिम्बाइटिक रिलेशनशिप मतलब एक हाथ से दो एक हाथ से लोग करेक्ट क्या होता है यहां पर कोरल्स में एलगी रहते हैं सो एलगी लिव इन साइड दैम एलगी क्या करते हैं एल मेक फूड फॉर द कोरल्स बाय यूजिंग द फोटोसिंथेसिस कोरल क्या कर रहे हैं प्रोवाइडिंग देम होम एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और साथ में एलगी उनको फिर बेसिकली दे गिव कोरल देयर ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर ये देख रहे हो ना यहीं से आता है लेकिन कोरल ब्लीचिंग एक टर्म सुनी होगी वो क्या होती है कोरल ब्लीचिंग आज खुद पढ़ना आप आपको पता चलेगा इम्पॉर्टेंट है वैसे कोरल रीव्स के बारे में हम काफ़ी न्यूज़ में रहा है हम पढ़ चुके हैं वेयर आर कोरल रीव फाउंड इन इंडिया गल्फ ऑफ कच्छ गल्फ़ ऑफ मन्नार अंडमान एंड निकोबार लक्ष्मीप आइलैंड सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं याद में रखना और ये जो लिखा है ये मैंने आपको बता ही दिया है कोरल शेयर अम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सिंगल सेल्ड एलगी कॉल्ड जू जेंथली तो ये आप याद में रख लीजिएगा बाकी इंफॉर्मेशन देखो सिंपल इजी टर्म्स में बताइए लाइंस रीड नहीं करिए ताकि आपको बस समझ आ जाए कॉन्सेप्ट समझ आ जाए अगला टॉपिक है दैट इज इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस दे हैव फ्लैग्ड मैसिव करप्शन ऑफ इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगनीज इन उड़ीसा तो क्या बात हो रही है इसको समझ लेते हैं इलीगल माइनिंग की बात है पहले तो यही पता होना चाहिए कि इ माइनिंग क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ओर्स वेल्यूएबल रिसोर्सिस कहाँ से लैंड वाटर बॉडीज लेकिन विदाउट परमिट विदाउट लाइसेंस विदाउट अप्रूवल होता क्या है ऑब्वियसली इट विल इन्वॉल्व दॉयेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबर स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और अभी क्यों न्यूज में है क्योंकि माइनिंग लीज होल्डर्स जो कि हैं इन उड़ीसा दे वर डिस्पैचिंग दैनगनीज और एज अ लो ग्रेड फ्रॉम देअर माइन्स टू द ट्रेडर्स हु आर ऑपरेटिंग इन दी वेस्ट बंगाल सिंपल सी बात क्या है यहाँ पर कि हो क्या रहा था इलीगल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी मैंगनीज़ की जो माइनिंग लीज होल्डर्स थे ना ओडिशा के अंदर माइन मैं, मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम देयर माइंस सेंडिंग इट टू द ट्रेडर्स इन वेस्ट बंगाल लेकिन करते क्या थे एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो देखो होता क्या है ना जैसे आपने एक लो ग्रेड प्रोडक्ट लिया उस पर एक बड़ा फैंसी सा लेबल लगा दिया और उसको आगे हाई ग्रेड प्रोडक्ट की तरह कैसे सेल कर दिया पैसे बन गए तो यहाँ पर इसी तरीके का कुछ मतलब एक एग्जाम्पल है बट ऐसा ही कुछ आप समझ लो जहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग दैट ओर टू मेक इट हाई ग्रेड ट्रेडर्स वर सेलिंग इट एज हाई ग्रेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क ऑन इट और उड़ीसा जो है ना वो एक मिनरल रिच स्टेट है ये बातें जो है ना मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना फिर हम फैक्ट्स ऑफ मैंगनीज के बारे में बात करेंगे उड़ीसा एक मिनरल रिच स्टेट है जहाँ पर बॉक्साइड के रिजर्व्स आयरन और के रिजर्व मैंगनीस बहुत है राइट अब मैंगनीज आ गया है तो मैंगनीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं मैंगनीज हार्ड सिल्वर ग्रे मेटल है स्टील मेकिंग में बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में वाइड रेंज है स्टील एल्यूमिनियम एलॉयज बैटरीज की प्रोडक्शन में यूज़ होता है एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कोलेस्ट्रोल एंड एमिनो एसिड उड़ीसा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज का जैसे कालाहांडी कोरापुट सुंदरगढ़ ये जो बेल्ट है मेजर माइंस इन दिस उड़ीसा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट दिस बेल्ट ऑफ इंडिया राइट ये याद में रखना इंडिया में माइनिंग सेक्टर की बात करूं तो वी आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज कोल मैंगनीज कॉपर गोल्ड जिंक माइनिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है दे हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनमी कितनी अराउंड टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी राइट एंड दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल मिनरल प्रोडक्शन जो है इट इज एस्टिमेटेड टू बी ट्वेंटी बिलियन डॉलर ठीक है याद रहेगा चलिए आगे चलते हैं अगली एक स्कीम है ये स्कीम क्या कहती है ये स्कीम ना ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च करी इस स्कीम का नाम देखो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट किस लिए फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्राम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम जिसे लॉन्च किया गया मनीपुर के अंदर स्कीम क्या है ये आर्टिजनस हैं ट्राइबल आर्टिजन हैं सो हैज टू हेल्प दैम दिस इज अ स्कीम दैट हेज़ बिन प्लान फ्राम दि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम क्या करेगी स्कीम वि लाइक ऑर्गेनाइज दी सिक्सटी एट ट्राइबल आर्टिजन मेलाज कहाँ पर इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्स ऑफ द रीजन ये मेला क्या करेंगे जब ये पर्पस ये जो मेलाज होंगे जो इवेंट होगा इसका पर्पस है कि आप आर्टिजन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो वेर दे कैन शो केस देयर प्रोडक्ट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट और यहाँ पर इस स्कीम के अंदर जो इंडियन आर्टिजन हैं द स्कीम इज गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू शो केस वर्क एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स ऑल्सो तो ट्रेनिंग सेशनस भी होंगे रेगुलर स्किल डेवलपमेंट तो उससे क्या होगा यू आर एबल टू शो केस देअर प्रोडक्ट इम्प्रूव योर प्रोडक्ट सेल योर प्रोडक्ट इम्प्रूव योर स्किल्स जिससे कि यू विल जनरेट लाइवलीहुड सो इट हेल्प देम टू स्ट्रेंथन देयर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्राइबल आर्टिजन्स टू इंक्रीज एफिशियंसी राइट और आ, जो डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सपोर्ट से आईट विल भी हैप्पन दीज मेलाज विल टेक प्लेस और ये कहाँ पर होंगे अरुणाचल प्रदेश असम, मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम नोडल मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स की नोडल एजेंसी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सॉर्टेड है चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर दैट टॉक्स अबाउट इट इज़ अ न्यू असोल्ट ऑन इंडियाज़ लिबर्टी ये आर्टिकल आज द हिंदू में आया एडिटोरियल काफ़ी लेंदी बड़ा आर्टिकल है लेकिन हम इसको कंसाइज करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे मैं आपको इसकी पहले थीम बताऊंगी फिर आपको ये आर्टिकल जो है समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी दिक्कत नहीं होगी कुछ भी ये आर्टिकल बात कर रहा है कुछ आईटी रूल्स के अमेंडमेंट की कि वो अमेंडमेंट यहाँ पर सही थे या नहीं थे आपका क्या ओपिनियन है और राइटर बाद में क्या सजेस्ट करते हैं जब आपको आईटी रूल्स पता होंगे तभी आप उसका सही गलत देख पाओगे हम पहले आईटी रूल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है दे नोटिफाइड द अमेंडमेंट रूल्स 2023, ट्वेंटी थ्री विच आर एन अमेंडमेंट टू दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये जो आई टी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करी गई है इट वॉज इट जेनरेटेड अ वेरी इंटेंस डिबेट कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि इन इस अमेंडमेंट से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कटेल किया जा रहा है कुछों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है इट इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज और अदर हार्मफुल कॉन्टेंट आप क्या कहते हो हमें पहले अमेंडमेंट पता होनी चाहिए न्यू रूल्स पता होने चाहिए है ना पहले मैं आपको न्यू रूल्स बता रही हूँ न्यू रूल्स समझ लिए तो आर्टिकल सॉर्टेड है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट चेक बॉडीज इस अमेंडमेंट से क्रिएशन हो रही ऑफ फैक्ट चेक बॉडीज की ये बॉडीज क्या करेंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है जो पोस्ट हुई नहीं हुई सो वेदर दैट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्ूरेट और नॉट फैक्ट चेक बॉडीज बनी ये याद में रखना क्योंकि फिर राइटर का क्या कहना है वो आपको क्लियर हो जाएगा और क्या हुआ और इस अमेंडमेंट के अंदर जैसे कोई पोस्ट डला अगर वो पोस्ट जो है मतलब ड्यू टू एनी रीजन वो फेक है या मतलब देर विल बी प्रॉपर रेगुलेशन तो यहां पर ये अमेंडमेंट कहता है जो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर दे नीड टू रेगुलेट और उस पोस्ट को दे हैव टू टेक डाउन इफ इट इज मार्क्ड एज फेक फेक क्या मतलब कैसे पता चलेगा फेक है यही तो वो डाउ मतलब इशू है जो राइटर ने मेंशन किया है तो यहाँ पर अमेंडमेंट कहता है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियज को टेक डाउन करना पड़ेगा वो पोस्ट को और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू ब्लॉक द यू आर एल्स डेज फेक अगर ऐसा नहीं किया राइट फेलियर टू डू सो कुड लीड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोसिंग देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मतलब सेक्शन सेवनटी नाइन ऑफ द आईटी एक्ट ना वो क्या कहता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं दे आर नॉट लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो सो दे आर नॉट लाइबल फॉर दैट इंफॉर्मेशन फॉर दैट डेटा फॉर द कॉम्युनिकेशन अगर फेसबुक पे कुछ शेयर हो रहा है तो फेसबुक इज़ नॉट लाइबल फॉर दैट सो ये सेक्शन सेवेंटी नाइन जो है आ, कहता है मतलब इसके चलते जो सोशल इंटरमीडियज हैं दे एंजॉय अ सेफ हार्बर रिजीम राइट right? लेकिन यहां पर ड्यू टू दिस अमेंडमेंट वो बोला जा रहा है कि सेफ हार्बर जो है वो नहीं होगा आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ फेक न्यूज ये अमेंडमेंट कहता है कि फेक न्यूज जो है हमें उसको प्रिवेंट करना है स्प्रेड होने से बिल्कुल सही बात है ड्यूरिंग द टाइम्स वेन इट कैन इंसाइड द वॉयेंस एंड कॉज पैनिक तो रैशनल ये है दैट इज मैंशन कि ये रिसेंट अमेंडमेंट जो है इट विल रेगुलेट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न्यू पब्लिशर्स एंड दी अदर डिजिटल मीडिया आउटलेट लेकिन राइटर कहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज है कि हमें ये पता ही नहीं कि वो फेक न्यूज़ है या नहीं कैसे हम बोलें वो फेक न्यूज़ है तो उससे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इट गोज अगेंस्ट दैट इन अ डेमोक्रेसी तो यहाँ पर राइटर का कहना है दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड न्यू रूल ओके this rule gives them the power to decide that means government what information is fake or false they can force the websites and social media platform to take down that post they think that are not true right the government guy can that these rules give them the power that go against the idea of free information and the freedom of speech in the democracy Satme, the rules require social media platforms in particular मैसेजिंग सर्विसेज़ टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यहाँ पर ना साथ में इन रूल्स में ये भी है कि जैसे कोई र्यूमर फैला तो फर्स्ट ऑरिजिनेटर कौन था ये भी बताना है आपको सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी बताने हैं सो दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इन्फॉर्मेशन वेन डिमांडेड बाई द गवर्नमेंट राइट अंडर अ सेट ऑफ गिवन सर्कमस्टांसिज और वे आर मैंडेटेड बाई एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो यहाँ पर दे वॉज पेटिटिशन पेंडिंग इन द कॉन्सिडरेशन इन द सुप्रीम कोर्ट कि दिस पर्टिकुलर रूल जो है इट इज सब्जेक्ट टू सेवरल सेट ऑफ चैलेंजेस क्यों क्योंकि यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उस पेड इट इज गिवन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एंड इनक्रिप्शन ये तो राइट टू प्रिवसी जो है उस पे मतलब इट गोज अगेंस्ट द राइट टू प्रिवसी ऑल्सो ये राइटर का कहना है राइटर कह रहा है कि सिंपली अगर आप इंफॉर्मेशन सेंसरिंग कर रहे हो ये बेस्ट आंसर नहीं है समटाइम्स इट कैन बी हार्मफुल आल्सो और राइटर ये बोलते हैं यहां पे आर्टिकल के अंदर कि गवर्नमेंट इज यूजिंग एग्जीक्यूटिव वाटर्स टू रिस्ट्रिक्ट द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना सो दे कैन ऑब्वियसली लिमिटेशन होती हैं देखो यहां पर आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज ए सिटीजन्स को ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकिन लिमिटेशंस है, हैं वो लिमिटेशन जो हैं दैट आर इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरनिटी इंटेग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशन ये सब कुछ बिल्कुल सही है आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि ये जो है इट 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 इज इज़ अ कंसर्न दैट दीज न्यू रूल्स आर रिस्ट्रिक्टिंग दीज राइट्स विदाउट अ गुड रीजन राइट बिकॉज द गवर्नमेंट इज यूजिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू रिस्ट्रिक्ट Uh, तो ये राइटर मेंशन करते हैं उसके बाद उनका कहना है फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी हार्मफुल बिल्कुल है बट कैन नॉट बी यूज एज रीजन टू रिस्ट्रिक्ट द लिमिट ऑफ स्पीच क्योंकि यहां पर वी आर नॉट स्पेसिफाइड विद द टर्म फेक न्यूज में क्या कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये फेक न्यूज़ है आइडेंटी मतलब दीज रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन लिमिटेशन ऑन द रिस्ट्रिक्शंस दे प्लेस फैक्ट चेक यूनिट बॉडीज बनाई

कोई भी लॉ अगर वो स्पीच को लिमिट करता है वो वेग नहीं होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट टू दीज आई टी रूल्स दे सफर ऑन बोथ दी अकाउंट्स क्योंकि एक तो वी आर वी आर नॉट एबल टू डिफाइन वट अ फेक न्यूज इज राइट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर यूजिंग दीज टर्म्स लाइक एनी बिजनेस क्लियर नहीं है ना इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बिजनेस एनी बिजनेस सो इट बेसिकली इट हैज अ एक ओपन एंडेड है अनडिफाइंड है एंड यहां पर फिर आपका जो राइट right है आर्टिकल का ये कहना है तो इट गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड वट न्यूज पीपल कैन सी ऑन द इंटरनेट सो बेसिकली गवर्नमेंट कैन यूज दिस पावर टू लिमिट द पीपल्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस दैमसेल्स ऑनलाइन तो ये राइटर कहते हैं ओवरऑल दे कंक्लूजन में राइटर ने मैंशन किया है दैट देयर शुड बी अ कॉम्प्रीहेंसिव लॉ जो पार्लियामेंट बनाए जो क्लियरली डिफाइन करे फेक न्यूज क्या है एंड लिमिट द स्पीच बेस्ड ऑन द ग्राउंड इन द आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज टू अमेंडमेंट टू दीज आई टी रूल आर ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ प्योर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन ये राइटर कहते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसिस जो है दे कैन बी वेरी चिलिंग राइट सो द राइट ऑफ प्रेस कॉमन पर्सन अथॉरिटी टू स्पीक ट्रुथ टू पावर इट विल बी डिमनिश एंड आर सिविल लिबर्टीज विल बी ऑबिलिटिटेड ये राइटर का कहना है लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो इसका रैशनल है लाने का ऐसे बेसिकली आई टी रूल्स के अमेंडमेंट का दैट इज़ फॉर अ गुड रीजन एज मैंशन बाई द अदर साइड कि कमिंग अप ऑफ दिस आप जो है जो फेक न्यूज़ होती हैं जो वॉयलेट को इंसाइट कर सकती हैं वो नहीं होंगी उसको बंद किया जाएगा एंड यस uh, yes, It is very necessary to prevent the spread of fake news and other harmful content, and these IT rules believe uh, that other party believes, other section that they are necessary to prevent such spread of fake news. Right. So, yeah, overall editorial key analysis. I hope aapko session at chalaga All you need to do is like this session, share it with your other friends, and don't forget to subscribe to Shri ram's IS channel. This is your mentor, Arzu Kakar, signing off. We will meet you in the next session. Till then, take care everyone. Good luck. Good wishes.